हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मूवी मिरर बाय अवि में। मूवी की शुरुआत होती है कैल्प से, जो ब्लू बुक नाम की कंपनी में काम करता है और कंपनी में एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उसे चुना जाता है। उसके सभी साथी कैल्प को लेके काफी खुश हैं। अब कैल्प हेलीकॉप्टर से अपने नए ऑफिस जाता है, जो चारों तरफ नेचर और जंगल से घिरी एक सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी है, जहाँ पे आने वाले एक हफ्ते तक कैल्प रहने वाला है। अब उसकी मुलाकात अपने बॉस नेथन से होती है। नेथन एक मुफट और थोड़ा घमंडी इंसान है। नेथन उससे कहता है कि तुम्हारी आईडी से जो गेट खुल जाए वहाँ तुम जा सकते हो, और जो गेट ना खुले वहाँ तुम्हें जाना मना है। अब दोनों कैल्प के रूम में आते हैं, जहाँ नेथन उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है, जिसमें लिखा था कि कैल्प इस रिसर्च के बारे में किसी से भी बात नहीं कर सकता। कैल्प को समझ नहीं आता कि इतनी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। तब नेथन कहता है कि वो पिछले कुछ समय से एक चेतन यानी कॉन्शियस एआई मशीन बनाने पे काम कर रहा है, जो इंसानों की तरह सोच और समझ सकती है। उसी की टेस्टिंग के लिए कैल्प को चुना गया है। कैल्प ये सुन के बेहद उत्साहित हो जाता है कि ये कॉन्शियस एआई बनाना कितनी बड़ी बात है। ये इंसान का भगवान बनने की तरफ पहला कदम होगा। अब कैल्प को एक कांच के बंद कमरे में भेजा जाता है, जहां उसे एक कांच हल्का सा टूटा दिखाई देता है। इसके निशान का राज हमें आगे पता चलेगा। अब कैल्प की मुलाकात होती है पहली कॉन्शियस एआई मशीन एवा से। कैल्प ये देख के हैरान है कि वो एक इंसान जैसे दिखने वाली रोबोट है। कैल्प खुद की भावनाओं पे काबू रखते हुए एवा से पूछता है कि अपने बारे में कुछ बताओ। एवा कहती है कि तुम क्या जानना चाहते हो। जैसा तुम्हें पता है, मेरा नाम एवा है और मैं एक मशीन हूँ। कैल्प पूछता है कि तुमने बोलना कब सीखा। एवा कहती है कि मुझे हमेशा से बोलना आता था, मैंने इसे सीखा नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं कि नेथन उन दोनों को बातें करते हुए देख रहा है और नोट्स बना रहा है। अब इस छोटी सी मुलाकात के बाद नेथन कैल्प से पूछता है कि तुम्हें एवा से मिलके कैसा लगा। कैल्प टेक्निकली जवाब देने की कोशिश करता है ताकि अपने बॉस को इम्प्रेस कर सके, लेकिन नेथन कहता है कि मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे ये बताओ कि तुम्हें एवा कैसी लगी। कैल्प कहता है कि वो अद्भुत है, नेथन को यही सुनना था। अब कैल्प अपने रूम में सोने आता है, लेकिन वो सो नहीं पाता। तभी वो अपने रूम में लगी टीवी ऑन करता है। उसमें एवा के रूम में लगे कैमरे से लाइव फुटेज देखी जा सकती है। कैल्प ये देख के हैरान था कि वो यहाँ बैठे बैठे हर समय एवा को देख सकता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी अलार्म बजने लगती है, क्योंकि पूरी फैसिलिटी का पावर कट हो गया था और मेन जनरेटर्स के ऑन होने तक सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। कैल्प डर जाता है, वो अपने रूम से बाहर नहीं आ पाता। तभी मेन जनरेटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और कैल्प अपने रूम से बाहर निकल पाता है। अब वो सीधा नेथन के रूम में जाता है। कैल्प कहता है कि मैं अपने रूम में लॉक हो गया था। नेथन कहता है कि ये एक सिक्योरिटी फीचर है, पावर कट होते ही सारी फैसिलिटी लॉक हो जाती है ताकि कोई भी पावर कट करके अंदर ना घुस पाए। अब अगली सुबह कैल्प के रूम में एक लड़की ब्रेकफास्ट लेके आती है। कैल्प थोड़ा असहज होता है, लेकिन ये एक मशीन ही है जिसका नाम क्योको है, लेकिन उसमें कॉन्शियस या एआई नहीं है। अब नेथन कहता है कि कल मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें एवा कैसी लगी और तुमने एक बेहतरीन जवाब दिया था, लेकिन आज सवाल है कि एवा को तुम कैसे लगे, यानी समय था उनकी दूसरी मुलाकात का। अब एवा पूछती है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। कैल्प कहता है हाँ। तो एवा कहती है कि अपने बारे में बताओ। कैल्प कहता है कि मैं नेथन की कंपनी में काम करता हूँ, ब्रोकहैमन लॉन्ग आइलैंड में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूँ। एवा पूछती है कि क्या तुम सिंगल हो। कैल्प हाँ में जवाब देता है। अब एवा कैल्प से उसके परिवार के बारे में पूछती है। कैल्प कहता है कि मैं 15 साल का था जब एक कार एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, लेकिन मैं बच गया क्योंकि मैं कार में पीछे बैठा था। उसके बाद अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं कोडिंग में गया और आज एक अच्छा कोडर हूँ। एवा कहती है बिल्कुल नेथन के जैसे, क्या नेथन तुम्हारा दोस्त है। कैल्प कहता है कि हम अभी ही मिले हैं, तो ऐसा कहना सही नहीं होगा, मैं नेथन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। तभी वहाँ फिर से पावर कट हो जाता है, कैल्प थोड़ा घबरा जाता है। तभी एवा के हाव भाव थोड़े बदल जाते हैं। वो कैल्प से कहती है कि नेथन अच्छा इंसान नहीं है, उसकी कही हर बात झूठी है। कैल्प कुछ समझ नहीं पाता। तभी पावर आ जाती है और एवा फिर से बिल्कुल नॉर्मल होके कैल्प से बात करने लगती है, मानो अभी यहाँ कुछ भी ना हुआ हो, यानी किसी तरह ये पावर कट्स एवा ही कर रही थी, आखिर क्यों। अब डिनर पे नेथन पूछता है कि आज की मुलाकात कैसी रही। तभी कियोको की गलती से कैल्प पे ड्रिंक गिर जाती है, जिससे नेथन को कियोको पे बेहद गुस्सा आता है। ये देख कैल्प थोड़ा डर जाता है, लेकिन नेथन कहता है कि इसे कुछ समझ नहीं आता, इसमें लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग नहीं है। अब नेथन फिर से पूछता है कि आज की मुलाकात कैसी रही। परेशान और कंफ्यूज कैल्प कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा क्या हुआ है। नेथन कहता है कि हाँ, बस उस पावर कट के समय क्या हुआ मुझे नहीं पता, सारे कैमराज बंद हो गए थे,
क्या उस समय कुछ हुआ था? कैलेब ना में जवाब देते हुए बात को टाल देता है। अब रात में कैलेब अपनी टीवी पे एवा को देख रहा है और एवा भी कैमरे की तरफ देखती है। ये शुरुआत थी कैलेब और एवा के बीच के रिश्ते की। अब अगली सुबह नेथन कैलेब को अपनी लैब में ले जाता है, जहां नेथन इन एआई मशीन्स के ब्रेन को दिखाता है, जिसे नेथन हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि वेटवेयर कहता है। दुनिया के सभी सर्च इंजन्स को मिला के नेथन ने ये नहीं समझा कि लोग क्या सोचते हैं, उसने ये समझा कि लोग कैसे सोचते हैं। और उन्हीं एल्गोरिदम्स को नेथन ने इन वेटवेयर्स में डाल के एआई को कॉन्शियसनेस दी। अब अगली मुलाकात में कैलेब एवा से पूछता है कि क्या तुमने बाहर की दुनिया देखी है। एवा कहती है कि मैं आज तक अपने इस रूम से बाहर नहीं गई। कैलेब पूछता है कि अगर कभी जा सकी तो कहाँ जाओगी। एवा कहती है कि इंसानों की भीड़ के बीच, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स, जहाँ वो इंसानों को देख सके, उन्हें समझ सके। क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलना चाहोगे? कैलेब कहता है कि फिर तो वो हमारी पहली डेट होगी। ये सुन के एवा कैलेब को अपनी आंखें बंद करने को कहती है और अपने रूम में जाके एक ड्रेस और एक विक पहन के आती है। कैलेब एवा को एक रियल लड़की के रूप में देख के दंग रह जाता है। एवा कहती है कि मैं हमारी डेट पे ये पहनूंगी। कैलेब अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए कहता है कि हाँ, ये ड्रेस सही रहेगी। तभी एवा कहती है कि क्या तुम मेरी तरफ आकर्षित यानी अट्रैक्ट हो रहे हो। एवा कहती है कि मैं तुम्हारे चेहरे पे आए छोटे छोटे बदलावों को देख सकती हूँ। क्या यहाँ से जाने के बाद तुम मेरे बारे में सोचते हो? कैलेब के चेहरे पे आए बदलावों से एवा समझ जाती है कि कैलेब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। एवा इस बात को यहीं रोक देती है। अब हम देखते हैं कि उस मुलाकात के बाद कैलेब अपने रूम में आके टीवी पे एवा को देख रहा है। हर बीतते दिन के साथ कैलेब की एवा के लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही है, लेकिन कैलेब को कुछ खटकता है। वो नेथन से पूछता है कि क्या तुमने एवा को मेरे साथ फ्लर्ट करने के लिए प्रोग्राम किया है। नेथन कहता है कि नहीं, वो प्यार फील कर सकती है क्योंकि वो खुद को एक फीमेल समझती है और उसका एक मेल के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है। उसने मेरे सिवाय सिर्फ एक और लड़के को देखा है, वो हो तुम। क्योंकि मैंने उसे बनाया है तो मैं उसके लिए पिता की जगह पे हूँ, तो हो सकता है कि वो तुमसे आकर्षित हो रही हो। कैलेब अपने रूम में होता है कि उसे अपनी टीवी पे एवा के रूम में नेथन दिखाई देता है। वो कुछ सुन नहीं पाता, लेकिन वो देखता है कि नेथन ने एवा की बनाई एक ड्राइंग फाड़ दी है। इससे एवा काफी दुखी हो जाती है और नेथन वहां से चला जाता है। अब कैलेब फौरन नेथन के रूम में जाता है, जहां उसे कियो को मिलती है। कैलेब उससे पूछता है कि नेथन कहाँ है, लेकिन कियो को कुछ समझ नहीं पाती और अपने कपड़े उतारने लगती है। कैलेब उसे रोकता है, तभी वहाँ नेथन आ जाता है। वो कहता है कि मैंने कहा था इसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये डांस बहुत अच्छा करती है। और नेथन म्यूजिक चला देता है। कैलेब पूछता है कि तुमने एवा की ड्राइंग क्यों फाड़ी। नेथन कुछ नहीं कहता और कियोको के साथ डांस करने लगता है। कैलेब देख सकता है कि नेथन के लिए जहाँ कियोको बस उसका दिल बहलाने के लिए है और एवा सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट। इंसान होके भी नेथन के मन में इन एआई मशीन्स के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। थोड़ी देर बाद नशे में धुत नेथन को कैलेब उसके रूम में छोड़ता है, जहां उसे नेथन का कंप्यूटर रूम दिखाई देता है, यानी इस फैसिलिटी का कंट्रोल रूम। अब अगली मुलाकात में एवा एक गेम खेलने को कहती है। एवा पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है। कैलेब कहता है रेड। एवा कहती है कि ये झूठ है। एवा कैलेब के हाव भाव से सच और झूठ को समझ पा रही थी। कैलेब कहता है कि मेरा कोई फेवरेट कलर नहीं है। एवा कहती है कि ये सच है। अब एवा पूछती है कि क्या तुम एक अच्छे इंसान हो। इस पे कैलेब समझ नहीं पाता कि क्या बोले। वो इस गेम को यहीं रोकने को कहता है, लेकिन एवा कहती है कि मेरे लिए ये जानना बेहद जरूरी है। कैलेब कहता है कि हाँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। एवा इसे सच या झूठ ना बोल के उससे अगला सवाल पूछती है, अगर मैं इस टेस्ट में फेल हो गई तो मेरे साथ क्या करेंगे। कैलेब कहता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है। एवा कहती है कि ये किसी के भी हाथ में क्यों है। क्या तुम्हारी लाइफ का स्विच किसी और के पास है, तो मेरा क्यों है। कैलेब के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तभी एवा कैलेब को अपनी ड्राइंग बताती है। ये ड्राइंग थी कैलेब की। तभी एवा पावर कट कर देती है और एक और सवाल पूछती है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। इसका जवाब हमें बताया नहीं गया, लेकिन कैलेब के आने वाले कदम इसका जवाब दे देंगे। अब कैलेब नेथन से पूछता है कि तुमने आखिर एवा को क्यों बनाया। नेथन कहता है कि एआई का आना तय है, तो सवाल ये नहीं है कि क्यों, सवाल ये है कि कब। क्योंकि मुझे लगता है कि एवा इस टेस्ट में फेल होने वाली है, शायद अगला मॉडल एवा से बेहतर हो। कैलेब पूछता है कि फेल होने पे तुम एवा का क्या करोगे। नेथन कहता है कि उसके लिक्विड वेयर से सारा डेटा निकाल के उसे रिसेट करना होगा। अगर एवा की बॉडी इसे झेल पाती है तो फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, नहीं तो अगले मॉडल पे काम शुरू करना होगा। ये सुनते ही कैलेब अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता। ये देख नेथन कहता है कि मुझे तुम पे तरस आ रहा है, तुम्हें एवा के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए बुरा लगना चाहिए। आज नहीं तो कल
ये AI हम इंसानों से कहीं आगे निकल जाएंगे, उनके लिए हम बस एक बंदर जैसे मामूली जानवर होंगे। इसे समझ पाना कैलेब के लिए थोड़ा मुश्किल है। अब हम देखते हैं कि एक बार फिर से नेथन पूरी तरह नशे में है और कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है। अब मौका मिलते ही कैलेब नेथन की पॉकेट से उसकी ID निकालता है और उसके रूम में जाता है, जहां कैलेब को नेथन के कंप्यूटर में उसकी रिसर्च फाइल्स मिलती है। हर बार एक AI मशीन के फेल होने पे उसकी जगह दूसरी AI मशीन ले लेती थी। एक वीडियो में कैलेब को दिखता है जेड नाम की मॉडल के कई वर्जन बना लेने के बाद भी नेथन उस AI के दिमाग में से रूम के बाहर जाने की जिद को निकाल नहीं पाया। जेड ने नेथन पे गुस्सा किया और उसी का निशान था जो हमें शुरुआत में दिखाया गया, और आखिर में जेड ने अपने रूम की दीवारों को तब तक नोचा जब तक उसके हाथ टूट के बिखर नहीं गए। लेकिन नेथन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कैलेब ये देख के हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि नेथन इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। तभी नेथन को होश आ जाता है। वो अपने रूम में जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे अपनी ID नहीं मिलती। तभी कैलेब आ जाता है और कहता है कि ये रही तुम्हारी ID, नीचे गिर गई थी। अब अगली सुबह कैलेब एवा से मिलता है। कैलेब कुछ नहीं कहता और चुपचाप खड़ा रहता है। एवा समझ जाती है और पावर कट कर देती है। अब कैलेब कहता है कि तुम सही थी, नेथन अच्छा इंसान नहीं है। इस टेस्ट के बाद वो तुम्हारी मेमोरी डिलीट कर देगा। ये एक तरह से तुम्हारा खून करना है। एवा कहती है कि मेरी मदद करो। कैलेब कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं नेथन को शराब पिला के बेहोश कर दूंगा, तुम 10 बजते ही पावर कट कर देना। अब कैलेब नेथन के पास जाता है, जहां नेथन कहता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, एक हफ्ता हो गया है, कल तुम्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाएगा। कैलेब कहता है कि पता ही नहीं चला कि एक वीक कैसे निकल गया, हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। कैलेब शराब निकालता है, लेकिन नेथन मना कर देता है। वो कहता है कि मैं बहुत पीने लगा हूँ, आज से सब बंद। ये कैलेब के प्लान का हिस्सा नहीं था। अब नेथन पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, एवा तुमसे सच में प्यार करती है या प्यार का दिखावा कर रही है। कैलेब कुछ समझ नहीं पाता। तभी नेथन उसे अपने रूम में बुलाता है और उस दिन का वीडियो दिखाता है जब उसने एवा की ड्राइंग फाड़ी थी। नेथन कहता है कि उस दिन मैंने एक बैटरी से चलने वाला कैमरा वहां रख दिया था, जिसके बारे में ना तो तुम्हें पता है और ना ही एवा को। उसी कैमरे की मदद से नेथन पावर कट्स के दौरान भी उन्हें देख और सुन सकता था। और अब नेथन वो क्लिप चलाता है जिसमें कैलेब ने भागने का प्लान बनाया था। कैलेब समझ जाता है कि ये टेस्ट एवा का नहीं बल्कि उसका था। नेथन कहता है कि मैंने एवा को एक टास्क दिया था, अपने रूम से बाहर निकलने का, और उसके लिए वो कुछ भी ट्राई कर सकती है। सच, झूठ, कल्पना, खुद को दया का पात्र दिखाना या फिर प्यार का नाटक करना, और एवा ने ऐसा ही किया। यही है असली AI। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, तुमने बहुत अच्छा किया। तभी पावर कट हो जाता है। नेथन हंसते हुए कहता है कि शायद 10 बज गए हैं। लेकिन नेथन को ये समझ नहीं आता कि कैलेब एवा को यहाँ से भगाता कैसे। कैलेब कहता है कि सिक्योरिटी के कोर्स को बदल के, जहाँ पावर कट होने पे सारे गेट्स बंद हो जाते हैं, कोर्स बदलने के बाद पावर कट होने पे सारे गेट खुल जाते हैं। नेथन कहता है कि एक अच्छा प्लान था, शायद काम भी कर जाता। कैलेब कहता है कि हमें जल्द ही पता चल जाएगा। नेथन को कुछ समझ नहीं आता। कैलेब कहता है कि मुझे शक था कि तुम हमारी बातें सुन सकते हो, तो मैंने सिक्योरिटी कोर्स कल रात को ही बदल दिए थे। नेथन फौरन अपने कंप्यूटर में देखता है तो उसे एवा अपने रूम से बाहर दिखाई देती है। पिछली सभी मॉडल में से सिर्फ एवा थी जो उस रूम से बाहर आने में सफल हो पाई थी। नेथन गुस्से में कैलेब पे वार करता है, जिसे कैलेब बेहोश हो जाता है। अब नेथन वेट्स को हटा के रॉड के साथ एवा की तरफ बढ़ता है। इधर एवा के सामने कियोको आ जाती है। एवा उसके हाथों पे छू के उससे बात कर पा रही थी। एवा उससे क्या कह रही थी ये जल्द ही पता चलने वाला है। तभी नेथन वहाँ आ जाता है। वो एवा से वापस अपने रूम में जाने को कहता है। एवा कहती है कि क्या तुम कभी मुझे बाहर जाने दोगे। नेथन कहता है हाँ बिल्कुल। एवा कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और वो नेथन पे हमला कर देती है। लेकिन नेथन आसानी से उसे संभाल लेता है और गुस्से में उसका हाथ तोड़ देता है। लेकिन तभी कियोको पीछे से आके नेथन में चाकू घुसा देती है। नेथन पलट के उस पे भी वार करता है, जिससे कियोको नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी एवा वो चाकू निकाल देती है, और जैसे ही नेथन एवा की तरफ मुड़ता है, एवा वो चाकू नेथन के सीने में घुसा देती है। अब अधमरा नेथन लड़खड़ाते हुए थोड़ी दूर जाके बैठ जाता है, और अब एवा उसकी जेब से उसकी आईडी निकाल लेती है। अब एवा नए कपड़े और नई स्किन लगा के तैयार हो जाती है। तभी कैलेब को होश आता है। वो एवा को जाते हुए देखता है, लेकिन एवा बिना कैलेब के उस गेट से निकल जाती है और कैलेब वहीं फंसा रह जाता है। अब कैलेब उस गेट को तोड़ने की और खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन
लेकिन क्योंकि वो नेथन के रूम में था और नेथन के रूम को सिर्फ नेथन की आईडी से ही खोला जा सकता था और वो आईडी थी एवा के पास और वो हमेशा के लिए यहाँ फंस जाता है। इधर एवा पहली बार बाहर आके बेहद खुश है। वो धूप को फील करती है, आसपास के जंगल को फील करती है और जो हेलीकॉप्टर कैलब को लेने आया था अब एवा उस हेलीकॉप्टर में बैठ के वहां से चली जाती है। और मूवी के एंड में हमें एवा इंसानों के भीड़ के बीच गुम होते हुए दिखाई देती है। अगर यहाँ समझने की कोशिश करें कि एवा ने कैलब के साथ ऐसा क्यों किया तो इसके तीन कारण हो सकते हैं। पहला, जब एवा ने कैलब के साथ वो सच और झूठ वाला गेम खेला था और पूछा था कि क्या तुम एक अच्छे इंसान हो, तब शायद कैलब के हाव भाव से उसे लगा हो कि कैलब झूठ बोल रहा है और वो कैलब पे भरोसा नहीं कर सकती। दूसरा कारण, नेथन के बर्ताव ने एवा को किसी भी इंसान पे भरोसा ना करने की फितरत दी हो। उसके लिए उसके पिता द्वारा ऐसा बर्ताव उसकी समझ और चेतना को बिगाड़ चुका हो। या फिर तीसरा कारण ये हो सकता है कि कैलब के रहते हुए एवा के पकड़े जाने के चांसेस भी ज्यादा हो, क्योंकि सिर्फ दो लोगों को ही पता था कि एवा एक एआई मशीन है। उसमें से एक को एवा ने मार दिया था और दूसरे को मरने के लिए छोड़ दिया। वैसे एंडिंग थोड़ी शॉकिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हकीकत भी हो सकती है। 2014 में बनी इस कल्पना को हम आज अपनी आंखों के सामने सच होता देख रहे हैं। चैट जीपीटी जैसी एआई जिस तरह से काम करती है, उसने इंसानों और एआई के बीच के अंतर को काफी हद तक मिटा दिया है। जैसा नेथन ने कहा था, एआई का आना तय है, सवाल ये है कि कब। अगर AI पे बनी मूवीज आपको अच्छी लगती है तो इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। तो ये थी आज की मूवी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे नेथन और कैलब के साथ शेयर जरूर करें, एवा के साथ मत करना। आप सुन रहे थे मूवी मिरर बाय अवि। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। बाय।